हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मैं लाइव बात कर रही हूँ, क्योंकि इधर काफ़ी टाइम मेरा मायके में, मैं इधर थी फिर उधर से आई, तो नवरात्रों की तैयारी में लग गई. और नवरात्रों की तैयारी करते करते अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, परेशान हो गई. और लेकिन अब माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, पहले जैसा सब कुछ हो गया है. और बस मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों से अपने मन की बात कर लेती हूँ. काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों से बात नहीं की हुई है, और कुछ ना बातें थी मन में जो मुझे आप लोगों से कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. और इधर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ जो मेरे टच में थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, और मतलब YouTube की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मेरी YouTube की बहुत अच्छी अच्छी जो फ्रेंड्स थी, YouTube पे वायरल होने के लिए, YouTube पे अर्निंग करने के लिए इस हद तक पागल हो चुकी हैं कि उन्हें कुछ भी होश नहीं है. तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, भगवान का दिया सब कुछ है आप लोगों के पास में, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, ना रहने की, ना खाने पीने की, और ना ही किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है. फिर ये सब क्यों करने पे उतारू हो गई हैं? मतलब मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम तो नहीं लूंगी, उन लोगों को ऐसा करते देख के ना बड़ी तकलीफ हो रही है, और मुझे बहुत गुस्सा आया. तो मैं ना एक तो कमेंट भी करके आ गई थी कि ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिनकी मजबूरियां इस हद तक है कि उनके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं. उनकी तो मजबूरी समझ में आती है कि चलिए आप थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह लिख के वायरल हो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, जिनके पास में सब कुछ है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है. पर आज आज ये स्थिति हो चुकी है. YouTube पे कुछ औरतें, लेडीज इतना ज्यादा पागल हो चुकी हैं वायरल होने के लिए, ना ही उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही उनको अपने ससुराल और मायके का ख्याल है, सिर्फ उन्हें YouTube पे वायरल होने के लिए हर कीमत पे कुछ ना कुछ करने के लिए उतारू हो चुकी हैं. मतलब मैं देखती हूँ कितने लोगों को मैंने, जो मुझसे जुड़े हुए थे ना, और जो लोग इस तरह से वीडियो बनाने लगे, कितने लोगों को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया. और मैं सोचती थी कि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक बार अपने मन की मैं बात कर लूं, क्योंकि रोज रोज वही सारा कुछ, मतलब क्या हो गया है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है आप लोगों को. आज पहले तो साड़ी ब्लॉक के नाम पे इतनी ज्यादा गंदगी थी, मैंने अपनी कुछ महीनों पहले ही साड़ी ब्लॉक के नाम पे एक वीडियो बनाई हुई थी, और साड़ी ब्लॉक के नाम पर इतनी ज्यादा गंदगी मचा रखी थी औरतों ने यूट्यूब पर, लेडीजों ने. और उसके बाद आज ये मेरा दूसरा वीडियो है काफी महीनों के बाद में. मैं यकीन मानिए बिल्कुल भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, और मैं कौन होती हूँ इस टॉपिक पे अपनी बात करने को, लेकिन यहाँ पर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में सबको अपने मन की बात कहने का हक है. तो मैंने सोचा लाइए, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं और जो लोग मेरे वीडियो वॉच करते हैं, जो मेरे अच्छे अच्छे व्यूअर्स हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखूं कि क्या हो गया है आजकल की लेडीजों को YouTube पे अर्निंग करने के लिए. ऐसा कौन सा पागलपन सवार हो गया है कि आपको ये ख्याल नहीं है कि आप कर क्या रहे हो? मतलब इस कदर गंदगी मचा रखी है कि देखने वाले को भी शर्म आ जाए. क्या हो गया है? अच्छी जिंदगी है, रहने के लिए मिला हुआ है घर, उसका कोई रेंट नहीं देना होता है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोगों के हस्बैंड सर्विस करते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे, उनको भी यूट्यूब पे वायरल होने का इतना ज्यादा भूत सवार हो गया है कि मतलब बहुत ज्यादा गंद मचा रखी है. मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इन लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है. आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे जब आप खुद ही नहीं समझ पा रही हैं कि आप कर क्या रही हो? आप लोगों को ऐसा करना कैसे शोभा देता है, कैसे आप लोगों की आत्मा गवारा कर देती है ये सब करने के लिए? मतलब मैं यहाँ खुले शब्दों में तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि जो मेरे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे जो भी काम करती हूँ, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, मेरे फ्रेंड सर्किल्स और मेरे रिश्तेदार भी वॉच करते हैं. तो हम लोगों को तो यहाँ पर अपनी मान मर्यादा का भी पूरा ख्याल है कि कैसे वर्ड यूज करने हैं, ये तक कि हम लोगों को सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग परिवार के बीच में रहते हैं, और परिवार को नाराज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात
कि खुद से भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे खुद में भी किसी को शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन यहाँ पर लोगों की सोच को देखिए और लोगों की सोच की बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं। यहाँ पर बात है कुछ लेडीजों की, कुछ औरतों की, जिन्होंने ना बिल्कुल मतलब आतंक मचा रखा है यूट्यूब पे, खुद को वायरल करने के लिए क्या क्या कर रही हैं। मतलब शर्म आती उन लोगों की वीडियो देखकर, क्या क्या करने पे उतारू हो गई हैं। मतलब यूट्यूब जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म को इतना गंदा बना रखा है। और मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, आप कितने दिन इस तरह से वायरल हो जाएंगे? कितने दिन वही टाइटल थंबनेल देके आप वायरल होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। दो तीन वीडियो निकल जाएंगी, हद से ज्यादा 10 वीडियो निकल जाएंगी, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और वीडियो निकल भी जाएंगी तो 1 महीने बाद आप क्या करोगे? कितने दिन आपके यही टाइटल और थंबनेल निकलेंगे? कम से कम आपके आगे आपके बच्चे हैं, आप उनकी परवरिश देखिए, आप ये देखिए आप उनको क्या संस्कार दे रहे हो। क्या आपके बच्चे आपके वीडियो वॉच नहीं करते हैं? क्या आपके ससुराल वाले आपके वीडियो नहीं देखते हैं? पर आप लोग सबसे बेफिक्र और किसी की कोई परवाह ही नहीं है, क्या क्या करने पर उतारू हो गए हो। और मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना मुझे इतनी उलझन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी, क्या हो गया है इन लोगों की सोच को, जो बिल्कुल भी अच्छा बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे नादानी करते हैं समझ में आता है, बच्चे किसी चीज की जिद पकड़ लेते समझ में आता है, पर आप एक माँ होकर, एक हाउसवाइफ होकर, एक लेडीज होकर, किसी की बेटी होकर, किसी की बहन होकर, ये आप कैसे करने पे उतारू हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप 2 वक्त की रोटी भी सुकून से खा रहे हैं ना, इससे बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं है। फिलहाल भगवान का दिया आप लोगों के पास में सब कुछ है। मैं जानती हूँ जो लोग मेरे वीडियो वॉच करती हैं, जो मेरी फ्रेंड्स वॉच करती थी, तो उनके बारे में भी मैं काफी कुछ जानती हूँ क्योंकि मैं उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है आपके घर में, तो प्लीज मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि बस वही रहता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते करते ये यूट्यूब की फैमिली भी अपनी हो जाती है, अपनी फैमिली की तरह हो जाती है। तो बस मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग गलत राह पे भटक गए हैं ना, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सोचिए आप लोग कर क्या रहे हो, कितने दिन ऐसे वायरल हो जाओगे। और बड़ा खराब लग रहा है सोच के, और समझ में ही नहीं आ रहा है ये औरतों को हो क्या गया है। साड़ी ब्लॉग के नाम पे साड़ी पहनकर आएंगी तो इतनी ज्यादा गंदगी मचा रखी है यूट्यूब पे। अब एक नया ब्लॉग चालू हो गया है, लेगिंग ब्लॉग, क्लीनिंग ब्लॉग, देसी क्लीनिंग ब्लॉग, और इन सब के नाम पर इतनी ज्यादा घटिया हरकतें कर रही हैं। और उनको ये लगता है कि ये यूट्यूब की कमाई इस तरह से उनको मिलेगी, जो इस तरह से उनको सैलरी मिलेगी उससे उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी सैलरी से कोई भी खुशी नहीं होगी। और कितने दिन आप ऐसी सैलरी निकाल लोगे? कोई खुशी नहीं होगी। आप खुद इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, इतने अच्छे से रह रहे हो, उस चीज को आप एक्सेप्ट करने की बजाय आप गंदगी पे उतारू हो गए हैं। बहुत गलत बात है ये, और मैं मुझे कहने का कोई हक नहीं है इस तरह से, लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने मन की बात रख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग मेरी वीडियोस पे आते थे और जो लोग दीदी दीदी कहते थे, तो मैं उन लोगों को, बस उन्हीं लोगों के लिए ये बात यहाँ पर कह रही हूँ कि प्लीज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप लोग संभल जाइए, मत करिए ऐसी हरकतें। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होना होता है, किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती है। जिनकी किस्मत अच्छे से वायरल हो चुकी है, यूट्यूब पे निकल चुकी है, तो वो निकल चुकी है। और हर जगह संघर्ष है, आप चाहे किसी भी नौकरी की बात कर लीजिए, उसमें भी मुकद्दर साथ देता है, मेहनत साथ देती है। और अच्छे तरीके से वीडियो आप बना के डालिए, आपको आर्थिक कोई भी कमी नहीं है, तो फिर आप इतना ज्यादा गंदगी पे क्यों उतारू हो गए हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने किस हद तक सही बोला है और किस हद तक गलत बोला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोगों के घर में आप लोगों के बच्चे भी हैं, वो भी आप लोगों के वीडियोस देखते होंगे या आपको वीडियो बनाते देखते होंगे, तो उनके छोटे से मन पे क्या बीतती होगी कि आप किस तरह से ये सारा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, कितनी गलत बात है। और जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों की परवरिश के लिए कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी परवरिश में कोई भी कमी रह जाए, और आप लोग अगर अपने घर के माहौल को इस तरह से गंदा करके रखोगे तो आप अपने बच्चों की परवरिश पे कैसे ध्यान दोगे, कैसे उनकी परवरिश आप अच्छे कर सकते हो?
किसी की मजबूरी होती है वो तो समझ में आता है, तो वो भी सिर्फ टाइटल और थंबनेल का ही यूज करते हैं, पर आप लोगों ने तो ऐसा बिल्कुल आतंक कर दिया है कि टाइटल थंबनेल तो छोड़िए, आप वीडियो भी ऐसी बना रहे हो जिसको कोई अच्छा खासा इंसान देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करेगा। और क्या मिल रहा है आप लोगों को ऐसा करके, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कौन सा पागलपन है। और मेरी कही हुई बातों से अगर थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, बट मुझे नहीं लगता है कि आज मैंने अब कोई भी बात गलत बोली है, क्योंकि अब बस वही होता है ना कि काफी लोग होते हैं बुराई को देख के चुप हो जाते हैं, लेकिन ना मैं बुराई को देख के बिल्कुल भी चुप नहीं हो पाती हूँ। मुझे लगता है अपनी बात को कहने में क्या जा रहा है, अगर सामने वाला सुधर जाता है हमारे प्रयास से तो इससे अच्छी बात और क्या है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं शब्दों में भी आप लोगों से नहीं कह सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है ये लेडीज़ों के पागलपन को देखकर, यूट्यूब पे वायरल होने के लिए मतलब बहुत ज्यादा गंदे वीडियो बनाने पर उतारू हो गई हैं, कहीं साड़ी ब्लॉग, कहीं देसी क्लीनिंग ब्लॉग, कहीं लेगिंग ब्लॉग, मतलब पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भगवान का दिया सब कुछ है आप लोगों के पास में, प्लीज इस तरह से वीडियो मत बनाइए, और अपनी एक अच्छी पहचान के साथ में यूट्यूब पे आप जितना मेहनत कर सकती हैं कीजिए, और मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है और बहुत ही अच्छा फल मिलता है मेहनत का, ये आप लोग जानते ही होंगे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मेहनत का फल मिलता जरूर है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी लास्ट में। और मेरी बात से किसी को भी तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, और बाय बाय।